आप लोगों ने जरूर से YouTube पे मैशअप्स देखी होगी। मैशअप्स मतलब कोई दो डिफरेंट डिफरेंट गाने जिनके लिरिक्स अलग हैं, म्यूजिक अलग है, बट कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेम होने के कारण उन दोनों गानों को एज अ वन सॉन्ग प्रेजेंट किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दो डिफरेंट सॉन्ग्स को, और स्पेशली आज जो हमने सॉन्ग्स लिए हैं दोनों ही अपने आप में बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है, और हमने कोशिश की है एक हिंदी और एक इंग्लिश मैशअप बनाने की। तो ये जो है एक फ्यूजन मैशअप हम कह सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको एक मैशअप रेडी करने के लिए पता होनी चाहिए, दैट इज टाइम सिग्नेचर। अगर आप सेम टाइम सिग्नेचर के दो सॉन्ग्स लेंगे तो उनका आपस में मर्ज जो है, जो ट्रांजिशन है, वो बहुत स्मूथ और नेचुरल लगेगा। आज हमने जो दो गाने लिए हैं वो हैं परफेक्ट बाय एड शीरन एंड जाने तू या जाने ना, ओल्ड बॉलीवुड मेलोडी जो किशोर कुमार जी ने गाई। इन दोनों ही गानों के जो टाइम सिग्नेचर हैं वो 3 के मल्टीपल्स वाले हैं। जाने तू जाने ना 3/4 का गाना है और परफेक्ट जो है वो 12/8 का गाना है। दोनों ही केसेस में ये बहुत स्मूथली एक दूसरे में ट्रांजिशन हो सकता है। जहाँ तक पार्ट्स की बात की जाए तो इट्स अप टू योर पर्सनल चॉइस कि आप गाने के किस पार्ट को कहाँ पोजीशन करना चाहते हैं। जो हमारा वर्जन है वो अभी आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आपको और समझ में आएगा। स्केल की बात अगर की जाए तो स्केल जो है हम लोगों ने जी ओपन स्केल या जी मेजर स्केल ही रखा है। वैसे एड शीरन के परफेक्ट का जो स्केल है वो जी शार्प है, बट हमने आधा स्केल नीचे किया है तो सिंगिंग में भी थोड़ा सा एक तरीके से कम्फर्ट रहेगा। हालांकि ऐसे सॉन्ग्स गाना मेरे कम्फर्ट जोन में नहीं है, बट ट्राई करना तो बनता है, तो इसलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से दोनों गाने मर्ज हो। अब अगर सेपरेटली बात की जाए कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न की, तो 4 कॉर्ड्स हम लोगों ने इस दोनों गानों को प्ले करने के लिए यूज किए हैं। फर्स्ट कॉर्ड इज जी ओपन, सेकेंड कॉर्ड इज ई माइनर कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड इज सी मेजर कॉर्ड एंड फोर्थ कॉर्ड इज डी मेजर कॉर्ड। यही 4 बेसिक कॉर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। स्ट्रमिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो इट्स अ वेरी सिंपल 3/4, 6/8 वाला स्ट्रमिंग पैटर्न, दैट इज डाउन डाउन अप डाउन अप। ओके, जब फ्लो में प्ले करेंगे डाउन डाउन अप डाउन 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 डाउन। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा ट्राई करेंगे। जी 4 बार प्ले करना है फॉर परफेक्ट, देन ई माइनर। This is how first you can practice and warm up your chords and your shifting among the chords. Then aap step by step gana suniye, play through ko pause kijiye and then try ki kis part mein kaun sa chord lagna chahiye. Okay? I really hope you'll be able to do it. Now we'll try to play both the songs together. और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेरे comfort zone में नहीं है, but अपने comfort zone को challenge करके हम अपनी skills को upgrade कर सकते हैं। तो I hope you will try with me. Okay? तो हमारा जो पिकअप नोट है वो है डी। आई फाउंड अ लव फॉर मी डार्लिंग जस्ट डाइव अबाउट इट एंड फॉलो माय लीड। आई फाउंड अ गर्ल ब्यूटीफुल एंड स्वीट। I never knew you were the someone waiting for me. Dekho kabhi khona nahi, abhi juda hona nahi. Dekho kabhi khona nahi, abhi juda. मिले थे पहले देखा तुझे तो दिन ने कहा We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Thank you.
माने तू या मानना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल बाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। अब रिसेंटली हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नया गिटार कोर्स, जो एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, बट टोटली बिगिनर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है ना, वो इतने क्लियरली उसमें मेंशन किए गए हैं कि किस तरीके से जब आप अपना गिटार लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें किस ऑर्डर में होनी चाहिए। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। आई रियली होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, और जो ये हम लोगों ने दो गानों का मैशअप किया था, ये आपको भी थोड़ा अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए कि क्या और गाने आप आपस में मैशअप कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली चेक दैट आउट एंड मे बी एक लेसन उसके ऊपर भी लिखे। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपनी प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।